उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम शहर के दिल्ली रोड स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक वीरेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के चेयरमैन जेल पर्यवेक्षक डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि मुरादाबाद मंडल के अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद इन तीनों जिलों के जिला सचिव को संबंधित समिति के सभी पदाधिकारियों को यहां एकत्रित करके मुरादाबाद मंडल कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक वीरेश कुमार शर्मा के मुख्य आतिथ्य में शपथ ग्रहण समारोह कराया गया। साथ ही जेल में सुधार कैसे हो और समाज के लोगों के द्वारा कारागार में निरुद्ध बंदियों के हित के लिए कैसे कार्य किए जाएं और चार दीवारी के बाहर जो समाज में अपराध है उसको कम करने के लिए आज चिंतन हुआ और चिंतन कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में यहां उपस्थित हुआ और अधीक्षक महोदय को और कारागार के प्रशासन को ये आश्वस्त भी किया गया कि समिति की ओर से एक बेहतरीन मंडल कारागार में एक उत्कृष्ट अच्छा पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। मुरादाबाद मंडल कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक डॉक्टर वीरेश शर्मा जी के मुख्य आतिथ्य में उनका शपथ ग्रहण समारोह कराया गया। साथ ही जेलों में सुधार कैसे हो और समाज के लोगों के द्वारा कारागार में निरुद्ध बंदियों के हित के लिए कैसे कार्य किया जाए और चार दीवारी के बाहर जो समाज में अपराध है उसको कम करने के लिए आज चिंतन हुआ। उस चिंतन कार्यक्रम में और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ और अधीक्षक महोदय को और कारागार प्रशासन के अधिकारियों को यह आश्वस्त भी किया कि समिति की तरफ से एक बेहतरीन मंडल कारागार में एक उत्कृष्ट अच्छे तरह के पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। साथ ही होम्योपैथी की एक डिस्पेंसरी भी उसमें बनवाई जाएगी। उसके जी सर, आज का क्या कार्यक्रम रहा? उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति का आज शपथ ग्रहण समारोह था अपराध निरोधन के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समिति के चेयरमैन श्री उमेश शर्मा जी को, प्रांतीय सचिव श्री पाठक जी को, हमारे जिला मुरादाबाद के श्री अशोक जी को, डॉक्टर अशोक जी को, कि आप सबने आज इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को सफल बनाया तथा एक विशाल पुस्तकालय जिला कारागार मुरादाबाद में स्थापित करने के लिए वचन दिया है। हम आप सब लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम इसके लिए स्थान उपलब्ध कराएंगे ताकि बंदी अपराध को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में फिर से जा सके। साथ ही बताया कि होम्योपैथी की एक डिस्पेंसरी भी वहां बनवाई जाएगी और उसके बाद भी समिति अनवरत कार्यक्रम करती रहेगी।